हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक हैं और मेरी क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 का लेट्स एक्सेस देखा था और उसका एफ आज हम लोग देखेंगे। एफ में है, पुट द सेंटेंसेस इन देयर करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको हम लोगों को ऑर्डर में करना है जैसे स्टोरी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो उसको ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो यहाँ द डंकी रैन अवे, डंकी घर से भाग जाता है। ऑन देयर वे दे मेट ए कैट, रास्ते में उनको बिल्ली मिलती है। इन द इवनिंग द फोर फ्रेंड्स रीच्ड अ फॉरेस्ट, शाम में चारों दोस्त एक जंगल पहुंचते हैं। द फार्मर वांटेड टू सेल द डंकी, फार्मर डंकी को सेल करना चाहता था। ऑन हिज वे द डंकी मेट अ पुअर ओल्ड डॉग, रास्ते में डंकी को एक ओल्ड डॉग मिलता है, मतलब बूढ़ा डॉग मिलता है। तो सबसे पहले क्या था, फार्मर अपने डंकी को सेल करना चाहता था, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद डंकी सुनकर भाग जाता है, तो आप लोग यहाँ पर सेकेंड लिखेंगे, द डंकी रैन अवे। उसके बाद डंकी जब भागता है तो उसको रास्ते में एक डॉग मिलता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। और उसके बाद रास्ते में चलते समय उसको कैट मिलता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और शाम में वो लोग, फोर फ्रेंड्स चारों दोस्त जंगल पहुंच जाते हैं, तो यहाँ 5 लिखिएगा। अब आइए आप लोग वर्ड वाइज में, जी में कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिए, जो भी ब्लैंक है उसको फिल कर लीजिए आप लोग। मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से लिख लीजिए।
आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग ग्रामर टाइम देखेंगे। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस समथिंग मोर अबाउट पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रेड, स्मॉल, गुड, बिग, डर्टी, एक्सेट्रा। जैसे किसी चीज़ को हम ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे दैट इज अम्ब्रेला, तो हमें पता चलता है वो अम्ब्रेला है। अगर हम बोलते हैं दैट इज अ रेड अम्ब्रेला, तो हम लोग को पता चलता है अच्छा वो वाला अम्ब्रेला। अगर वहाँ पे 3-4 अम्ब्रेला है, अगर हम बोले कि दैट इज अम्ब्रेला, तो हमें पता नहीं चलता है। मगर अगर हम इंडिकेट करें कलर से तो वो ज़्यादा डिस्क्राइब करता है उस थिंग को। तो हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स उसके लिए यूज़ करते हैं। इसको हम लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस समथिंग मोर अबाउट पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। लोगों के बारे में, जगह के बारे में, जगहों के बारे में, जानवरों के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। एच में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हम लोग को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है विथ एक जो सही अप्रोप्रिएट वर्ड होता है उससे। ही इज अ गुड बॉय। गुड यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। दिस हाउस इज अ स्मॉल, ये घर छोटा है। दैट इज अ बिग पार्क, वो एक बड़ा पार्क है। आई हैव अ रेड कलर ड्रेस, मेरे पास एक रेड कलर का ड्रेस है। माई ग्रैंड फादर इज वेरी ओल्ड, मेरे ग्रैंड फादर बहुत बूढ़े हैं। ठीक है, आप लोग ये रिमेम्बर कीजिएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड किसको कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बी क्रिएटिव। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट ए पैसेज। नीचे दिए हुए पिक्चर को देख के हम लोगों को पैसेज लिखना है। तो फर्स्ट में है, यहाँ पर एनिमल्स कुछ लोगों को लेकर ट्रेवल कर रहे हैं, एक एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर फिर डंकी बोझे को लेके जा रहा है, उसके साथ एक व्यक्ति उस पर बोझा डालकर जा रहा है। बच्चा ये एनिमल के साथ खेल रहा है, डॉग के साथ, और मंकी यहाँ पे इंटरटेन कर रहा है सब लोगों को। तो हम लोग लिखे हैं, एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। एनिमल्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। ऑक्स पुल कार्ट एंड कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑक्स जो होता है, बैल होता है, वो कार्ट मतलब कोई बैलगाड़ी ये पुल करता है और किसी भी सामान को या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। डंकी कैरिज बर्डन, डंकी बोझा ढोता है। बच्चों को डॉग के साथ खेलना पसंद है, किड्स लाइक टू प्ले विद डॉग। मंकी इंटरटेन्स द चिल्ड्रन, मंकी बच्चों को इंटरटेन करता है। यहाँ पर सेकेंड में राइट 5 सेंटेंसेस ऑन माई पेट। आप लोग को 5 सेंटेंस लिखना है पेट के ऊपर, मतलब मेरा पालतू जानवर के ऊपर। माई पेट डॉग्स नेम इज टॉमी। मेरे पेट जो डॉगी का नाम है उसका नाम है टॉमी। टॉमी इज माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज डॉग्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। टॉमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है क्योंकि जो डॉग होता है वो बेस्ट फ्रेंड होता है लोगों का। इट इज नॉटी बट गुड, यह नटखट है, बहुत अच्छा है। इट लव्स टू ईट चॉकलेट एंड बिस्किट, इसको चॉकलेट और बिस्किट खाना पसंद है। इट लव्स टू प्ले फुटबॉल विथ मी, इसे फुटबॉल खेलना पसंद है मेरे साथ। आई ऑल्सो इंजॉय अलॉट प्लेइंग विथ टॉमी, और मुझे भी इसके साथ बहुत मजा आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग ये सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा और डायरी में लिखिएगा रिवाइज चैप्टर 1 टू 5 एंड रीड चैप्टर 6। आप लोग को चैप्टर 6 पढ़ना है और 1 से 5 तक रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर 6 डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच।